हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट डेट्स, हमारे इंडिया के सारे जितने भी इम्पोर्टेंट डेट्स है जनवरी से लेकर दिसंबर, प्लस उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ असम के बारे में। असम का जितना भी मतलब डे है, इम्पोर्टेंट डेज, वो भी मैं ऐड करूँगा यहाँ पर। और प्लस हमारे इंडिया के जनवरी टू दिसंबर जितने भी हमारे सेलिब्रेशन और हमारे इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगेगा सेशन। हेलो दोस्तों, इस सेशन में 50 क्वेश्चन रहेंगे जो कि रीजन के साथ रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, अर्थात भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए 14 जनवरी, बी 13 जनवरी, सी 12 जनवरी या डी 11 जनवरी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 12 जनवरी। जब पहली बार भारत सरकार ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया था, तब से 1985 से यह आयोजन स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और नेशनल यूथ डे हर वर्ष पालन किया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन इज आर्मी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन से ए 15 जनवरी, बी 16 जनवरी, सी 21 जनवरी या डी 17 जनवरी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 15 जनवरी। आइए देखते हैं आर्मी डे अर्थात सेना दिवस क्यों मनाया जाता है। भारत में हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है ताकि भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ जनरल, जो कि बाद में फील्ड मार्शल बन गए थे, पहले फील्ड मार्शल KM करियप्पा, उनकी ये उपलब्धियों को स्मरण करने के लिए हम लोग सेना दिवस मनाते हैं। और मैंने करियप्पा जी की फोटो दी है, आप लोग देख सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, अर्थात भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन से ए 21 जनवरी, बी 23 जनवरी, सी 25 जनवरी या डी 28 जनवरी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 25 जनवरी। आइए जानते हैं नेशनल वोटर्स डे क्यों मनाया जाता है। इसे हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। और 25 जनवरी 1950 यानी कि 1950 को हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था, इसीलिए हम लोग हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी जानना जरूरी है कि हमारे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, जो कि एक सिविल सर्वेंट थे, जिन्हें भारत का चुनाव आयोग के जनक के रूप में जाना जाता है। और वहीं पर हमारी भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी VS रमा देवी, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन इज रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, अर्थात भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए 29 जनवरी, बी 27 जनवरी, सी 26 जनवरी या डी 25 जनवरी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 26 जनवरी। आप लोग जानते होंगे हम लोग गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान का पूर्ण रूप से गठन हुआ और लागू हुआ, इसीलिए हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन इज इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेटेड, अर्थात भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए 4 फरवरी, ऑप्शन बी 3 फरवरी, ऑप्शन बी 2 फरवरी या ऑप्शन डी 1 फरवरी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1 फरवरी। आइए देखते हैं ये दिवस हम क्यों मनाते हैं। भारतीय तटों की सुरक्षा और भारत के समुद्री क्षेत्रों की निगरानी में भारतीय तटरक्षक बल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए हम उनके सम्मान और श्रद्धांजलि के हेतु इस विशेष दिन को मनाते हैं, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन इज वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, अर्थात भारत में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए 2 फरवरी, ऑप्शन बी 3 फरवरी, ऑप्शन सी 4 फरवरी या ऑप्शन डी 5 फरवरी।
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 4 फरवरी। आइए देखते हैं इसके पीछे का कारण। आप लोग सब जानते ही हैं कि कैंसर के कारण लाखों लोग प्रत्येक वर्ष मर रहे हैं, इसीलिए इसको रोकने के लिए एक तरह से जागरूकता लाने के लिए और लोगों को साहस देने के लिए तथा सरकार पर दबाव डालने के लिए कैंसर डे यानी कि कैंसर दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन इज सिलाराय दिवस सेलिब्रेटेड इन आसाम? असम में सिलाराय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 फरवरी, ऑप्शन बी 21 फरवरी, ऑप्शन सी 22 फरवरी या ऑप्शन डी 23 फरवरी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 21 फरवरी। चलिए जानते हैं सिलाराय दिवस क्यों मनाया जाता है। तो आप सब लोग जानते ही हैं सिलाराय एक महान योद्धा थे, उनकी जन्म जयंती के रूप में वीर सिलाराय दिवस असम में मनाया जाता है, याद रखिएगा। और ये जो असम गवर्नमेंट ने 2005 से ये कार्यक्रम शुरू किया है। सिलाराय का असली नाम शुक्लध्वज था, आप लोग जानते होंगे, और वो विश्वसिंघा के तीसरे पुत्र थे। विश्वसिंघा जो कि कोच डायनेस्टी के संस्थापक थे, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? अर्थात भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 26 फरवरी, बी 27 फरवरी, सी 28 फरवरी या डी 29 फरवरी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 28 फरवरी। आइए देखते हैं नेशनल साइंस डे क्यों मनाया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं सीवी रमन यानी कि चंद्रशेखर वेंकट रमन, जो कि हमारे इंडिया के एक फिजिसिस्ट थे और उन्होंने लाइट स्कैटरिंग के बारे में खोज की थी, जिसके कारण उन्हें नोबेल पीस प्राइज अवार्ड मिला था, और उन्हीं के याद में हम लोग नेशनल साइंस डे मनाते हैं, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेटेड? अर्थात अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 10 मार्च, ऑप्शन बी 9 मार्च, ऑप्शन सी 8 मार्च या ऑप्शन डी 7 मार्च। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 8 मार्च। आइए देखते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है। आप लोग शायद जानते होंगे, तो ये हम लोग महिलाओं के जो भी उपलब्धियां हासिल किए हैं उन्होंने और आगे चलकर करेंगे, उन उपलब्धियों के सम्मान के तौर पर हम लोग नारी दिवस का पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन इज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेटेड? अर्थात विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 15 मार्च, बी 16 मार्च, सी 17 मार्च या डी 18 मार्च। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 15 मार्च। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, When is National Vaccination Day celebrated in India? अर्थात भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 14 मार्च, बी 15 मार्च, सी 16 मार्च या डी 17 मार्च। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 16 मार्च। किस कारण यह दिवस मनाया जाता है, कृपया इसको ध्यान दें, मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, रीजन टू सेलिब्रेट, देखिए उसको अच्छे से। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन इज वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड? अर्थात विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 20 मार्च, बी 21 मार्च, सी 22 मार्च या डी 23 मार्च। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल कॉन्टेंट मैं आपके लिए लाता रहूँ और आप लोग भी थोड़ा फ्रूटफुल हो सके। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 22 मार्च। हेलो फ्रेंड्स, प्लीज नोट डाउन द रीजन टू सेलिब्रेट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन इज वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे सेलिब्रेटेड? अर्थात विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, जिसको हम लोग टीबी के नाम से जानते हैं? आपके ऑप्शन है ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 23 मार्च, ऑप्शन सी 24 मार्च या ऑप्शन डी 25 मार्च।
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 24 मार्च। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन इज जया स्मृति दिवस सेलिब्रेटेड इन आसाम, अर्थात असम में जया स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 26 मार्च, ऑप्शन बी 27 मार्च, ऑप्शन सी 28 मार्च या ऑप्शन डी 29 मार्च। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 27 मार्च। आइए देखते हैं जया स्मृति असम में क्यों मनाया जाता है। जया स्मृति अथवा जयमति दिवस, इसको जयमति दिवस भी कहा जाता है, और ये जयमति कुंवरी के स्मृति में हर साल 27 मार्च को मनाया जाता है, और जयमति गदापानी की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड, अर्थात विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 3 अप्रैल, ऑप्शन बी 5 अप्रैल, ऑप्शन सी 6 अप्रैल या ऑप्शन डी 7 अप्रैल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 7 अप्रैल। आइए देखते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस हम क्यों मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस हम लोग मुख्य दो कारणों से मनाते हैं। एक तो हो गया, हम विश्व स्वास्थ्य दिवस इसलिए मनाते हैं ताकि इससे लोगों को स्वास्थ्य के प्रति एक जागरूकता भावना पैदा हो तथा स्वास्थ्य के प्रति लगाव रहे। और दूसरा, इसी दिन 1948 यानी 1948 में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था, तो इसका सालगिरह के तौर पर इसके प्रतीक के रूप में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन इज सती साधिनी दिवस सेलिब्रेटेड इन आसाम, अर्थात असम में सती साधिनी दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 19 अप्रैल, बी 20 अप्रैल, सी 21 अप्रैल या डी 22 अप्रैल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 21 अप्रैल। आइए देखते हैं असम में सती साधिनी दिवस क्यों मनाया जाता है। सती साधिनी दिवस असम में उनके बलिदानों को सम्मान करने के लिए मनाया जाता है, आप लोग सब जानते होंगे। और वो चुतिया डायनेस्टी से बिलोंग करती हैं, और उनके पिताजी का नाम धर्मध्वज है, जिन्हें धीर नारायण भी कहा जाता है, और उनके स्वामी का नाम है नीतिपाल। और इस दिन यानी कि 21 अप्रैल को असम में राजकीय अवकाश मिलता है, यानी कि छुट्टी हॉलीडे होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। व्हेन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड, अर्थात विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन से ए 16 अप्रैल, बी 17 अप्रैल, सी 18 अप्रैल या डी 19 अप्रैल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 18 अप्रैल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। व्हेन इज वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड, अर्थात विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 21 अप्रैल, बी 22 अप्रैल, सी 23 अप्रैल या डी 24 अप्रैल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 22 अप्रैल। हेलो फ्रेंड्स, ये जो रीजन टू सेलिब्रेट जो मैंने दिया हुआ है नोट्स, ये आप लोग प्लीज़ नोट्स बना के लिखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। व्हेन इज इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 1 मई, बी 2 मई, सी 3 मई या डी 4 मई। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इस तरह के नॉलेजेबल कंटेंट्स आपके लिए लाता रहूँगा और आप लोग को नॉलेज मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 मई। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। व्हेन इज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड, अर्थात विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 7 मई, बी 8 मई, सी 10 मई या डी 11 मई। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 8 मई। आई होप आप लोग रीजन्स को भी ध्यान से देख रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। व्हेन इज इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेटेड, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 12 मई, बी 14 मई, सी 15 मई या डी 17 मई। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 12 मई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
कि नर्स डे हम लोग क्यों मनाते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए इसका रीज़न क्या है, हम लोग देखते हैं। याद रखिएगा, नर्स डे दो मुख्य कारणों से मनाया जाता है। एक तो हो गया फ्लोरेंस नाइटिंगल, जो कि मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर हैं, और दूसरा हो गया हमारे विश्व के जितने भी नर्स हैं उनके अथक प्रयास, कष्ट और साहस के लिए उन्हें सम्मान के हेतु ये नर्स डे पालन किया जाता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। व्हेन इज नेशनल एंटी टेररिज्म डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, अर्थात भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 20 मई, बी 21 मई, सी 22 मई या डी 23 मई। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 21 मई। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23। व्हेन इज वर्ल्ड एंटी टोबैको डे सेलिब्रेटेड, अर्थात विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन से ए 29 मई, बी 30 मई, सी 31 मई या डी 1 जून। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 31 मई। हेलो दोस्तों, ये रीजंस जो है मैंने दिया हुआ है, प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड, अर्थात विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 3 जून, बी 4 जून, सी 5 जून या डी 7 जून। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूं। चल देखते हैं इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 5 जून। हेलो दोस्तों, ये नोट्स जो मैंने दिया है रीजंस, आप लोग प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्यों हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। व्हेन इज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे सेलिब्रेटेड, अर्थात विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 10 जून, बी 11 जून, सी 12 जून या डी 14 जून। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 12 जून। हेलो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। व्हेन इज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेटेड, अर्थात विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन से ए 13 जून, बी 14 जून, सी 17 जून या डी 18 जून। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 14 जून। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। व्हेन इज विष्णु राभा डे सेलिब्रेटेड इन असम, अर्थात असम में विष्णु राभा दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए 20 जून, बी 22 जून, सी 24 जून या डी 25 जून। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 20 जून। आइए दोस्तों देखते हैं राभा दिवस क्यों मनाया जाता है। यह दिवस विष्णु प्रसाद राभा, जिन्हें कोलागुरु भी कहा जाता है, उनकी जो अवदान है हमारे असम के लिए, उसको याद करते हुए उनकी डेथ एनिवर्सरी यानी कि उनकी पुण्यतिथि के दिन, उस अवसर पर हम लोग राभा दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए 19 जून, बी 20 जून, सी 21 जून या डी 22 जून। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 21 जून। आइए देखते हैं योग दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं। योगाभ्यास मुख्य रूप से दुनिया भर में जागरूकता तथा इससे होने वाले फायदे के बारे में बताने के लिए योग दिवस मनाया जाता है। और योग करने से हम लोग का जो शरीर है वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से हम लोग फिट रहते हैं, यानी कि संतुलित रहते हैं। याद रखिएगा, फर्स्ट योग दिवस 21 जून 2015 को न्यू दिल्ली में मनाया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज्ड एंड इलीगल ट्रैफिकिंग, अर्थात नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 26 जून। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30। व्हेन इज नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, अर्थात भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है?
आपके ऑप्शन है ए 1 जुलाई, बी 3 जुलाई, सी 4 जुलाई या डी 5 जुलाई। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 जुलाई। याद रखिएगा 1 जुलाई को हम लोग भारत में नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे भी मनाते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड, अर्थात विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन से ए 9 जुलाई, बी 10 जुलाई, सी 11 जुलाई या डी 13 जुलाई। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 11 जुलाई। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन इज इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए 10 अगस्त, बी 12 अगस्त, सी 13 अगस्त या डी 14 अगस्त। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 12 अगस्त। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलता रहे। आगे बढ़ते हमारे क्वेश्चन नंबर 33 में, व्हेन इज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, अर्थात भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग जानते होंगे और ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, और इसका रीज़न क्या होगा प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन इज सद्भावना दिवस सेलिब्रेटेड इन इंडिया, अर्थात भारत में सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए 18 अगस्त, बी 20 अगस्त, सी 22 अगस्त या डी 23 अगस्त। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 20 अगस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, अर्थात भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए 27 अगस्त, बी 28 अगस्त, सी 29 अगस्त या डी 30 अगस्त। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 29 अगस्त। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। व्हेन इज टीचर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, अर्थात भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए 4 सितंबर, बी 5 सितंबर, सी 8 सितंबर या डी 9 सितंबर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 5 सितंबर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, व्हेन इज इंजीनियर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, अर्थात भारत में इंजीनियर्स दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन से ए 14 सितंबर, बी 15 सितंबर, सी 18 सितंबर या डी 19 सितंबर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 15 सितंबर। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। चलते आगे क्वेश्चन 38 की ओर। व्हेन इज वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड, अर्थात विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए 27 सितंबर, बी 28 सितंबर, सी 29 सितंबर या डी 30 सितंबर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 27 सितंबर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, व्हेन इज वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेटेड, अर्थात विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन से ए 3 अक्टूबर, बी 4 अक्टूबर, सी 5 अक्टूबर या डी 6 अक्टूबर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 5 अक्टूबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन इज इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड, अर्थात भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन से ए 6 अक्टूबर, ऑप्शन बी 7 अक्टूबर, ऑप्शन सी 8 अक्टूबर या ऑप्शन डी 9 अक्टूबर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 8 अक्टूबर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। व्हेन इज भारतीय एकता दिवस सेलिब्रेटेड, अर्थात भारतीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए 29 अक्टूबर, बी 30 अक्टूबर,
सी 31 अक्टूबर या डी 1 दिसंबर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 31 अक्टूबर। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह के वीडियो में आपके लिए लाता रहूं। चलिए देखते हैं हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 42। व्हेन इज चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, अर्थात भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है। आपके ए 5 नवंबर, बी 6 नवंबर, सी 11 नवंबर या डी 14 नवंबर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 14 नवंबर। सो इम्पोर्टेंट डेट्स याद करने का स्ट्रेटजी है उनके रीजन्स, तो मैंने इसीलिए लिखा हुआ है वहाँ पे रीजन्स टू सेलिब्रेट, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। हम लोग हर एक दिवस क्यों मनाते हैं उसका रिलेटेड मैंने रीजन्स लिखा हुआ है, वो आप लोग प्लीज़ याद कीजिएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। व्हेन इज़ नेशनल जर्नलिज्म डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, अर्थात भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए 17 नवंबर, बी 20 नवंबर, सी 21 नवंबर या डी 23 नवंबर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 17 नवंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। व्हेन इज वर्ल्ड सिटीजन डे सेलिब्रेटेड, अर्थात विश्व नागरिक दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए 17 नवंबर, बी 18 नवंबर, सी 19 नवंबर या डी 21 नवंबर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 19 नवंबर। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर सेम क्वेश्चन में वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे बोल के आया तो आप लोग को आंसर लिखना पड़ेगा 21 अगस्त। मैंने इसीलिए नहीं दिया था अगस्त में, ताकि आप लोगों को मैं यहाँ पे समझा सकूँ, डिफरेंस दिखा सकूँ आप लोगों को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। व्हेन इज लाचित दिवस सेलिब्रेटेड इन असम, असम में लाचित दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए 24 नवंबर, बी 25 नवंबर, सी 28 नवंबर या डी 29 नवंबर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 24 नवंबर। हेलो दोस्तों, ये जो रीजन टू सेलिब्रेट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 46। व्हेन इज वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड, अर्थात विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए 1 दिसंबर, बी 3 दिसंबर, सी 4 दिसंबर या डी 6 दिसंबर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 दिसंबर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। व्हेन इज असम डे और सुकाफा डे सेलिब्रेटेड, अर्थात असम दिवस या सुकाफा दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन से ए 1 दिसंबर, बी 2 दिसंबर, सी 4 दिसंबर या डी 5 दिसंबर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 दिसंबर। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल कंटेंट्स में आपके लिए लाता रहूं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। व्हेन इज नेशनल नेवी डे सेलिब्रेटेड, अर्थात राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए 2 दिसंबर, बी 4 दिसंबर, सी 5 दिसंबर या डी 7 दिसंबर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 4 दिसंबर। हेलो दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 49। व्हेन इज वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड, अर्थात विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए 10 दिसंबर, बी 12 दिसंबर, सी 15 दिसंबर या डी 16 दिसंबर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 10 दिसंबर। हेलो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 50। व्हेन इज शहीद दिवस और मार्टियर डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, अर्थात भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है। ये आपके लिए होमवर्क है, प्लीज़ इसका आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और इसका रीज़न भी लिखिएगा। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल कंटेंट्स आप लोगों को मिलता रहे। और प्लीज़ सपोर्ट करें, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं आपको आपके लिए इस तरह के वीडियोज़ बना सकूं। अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, एनकरेज नहीं करेंगे, तो मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन ही ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।